नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया की जो वो बातें बात करेंगे महिलाओं के अधिकार, जिसमें सऊदी अरबिया अभी भी बहुत पीछे पिछड़ा हुआ देश है। और हालांकि वहां के जो प्रिंस 32 वर्षीय क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, का टारगेट विजन 2030 है। उनका विजन 2030 तक सऊदी को एक अच्छे माहौल में डालना, धार्मिक रूप से हर चीज से आजादी, मतलब एक टूरिस्ट हब के तौर पे उसको लोगों के सामने रखना, विश्व के सामने रखना और साबित करना कि भाई सऊदी तेल पे ही डिपेंड नहीं है, और भी उनके इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे दुबई। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे दुबई जैसा बनना चाहता है। जी हाँ, लेकिन आज भी हम बात करेंगे उन पांच टॉपिकों पे, पांच बिंदुओं पे जो महिलाओं के मामले में सऊदी अरब बहुत पिछड़ा हुआ है। हालांकि कानून के मामले में सख्त रवैया सऊदी सरकार सऊदी में है, जितना कहीं पर भी नहीं है। लेकिन लिंग भेद की बात करें, लिंग भेद की आज भी, जी हाँ, जो विश्व के एक जो आंकड़े निकल के आते हैं, जिसमें 144 देशों में 138वां स्थान रखता है सऊदी अरबिया औरतों के साथ भेदभाव रखने के मामले में। जी हाँ, हम पांच बिंदुओं पे बात करेंगे कि औरतों के कौन से वो पांच अधिकार हैं जो आज तक नहीं मिले, आगे मिलने की हम उम्मीद करते हैं 2030 से पहले पहले। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट बता दूं, बैंक अकाउंट खोलना। जी हाँ साथियों, बैंक में खाता खोलना सऊदी अरब में। साथियों बता दूं, जो महिलाएं हैं लोकल अरब सऊदी अरब की महिलाएं हैं, वो अपना मन मर्जी से बैंक का खाता नहीं खोल सकती। जी हाँ साथियों, या उनके लिए अगर उनका खाता खुलवाना है तो उनका भाई, उनका फादर या फिर उनका ब्रदर या फिर उनका हस्बैंड या छोटा भाई वगैरह कोई भी हो, साथ में पुरुष प्रधान साथ में होना चाहिए, तभी उसका अकाउंट खुल सकता है। ऐसा कानून सऊदी में अभी तक भी चल रहा है। हालांकि ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल संगठन है, उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना भी की है कि भाई इस तरह से तो अगर 40 साल की महिला, 35 साल की महिला बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा सकती, जैसे इंडिया में सब आजादी है, तो फिर उसको तो नाबालिग बोलेंगे ना। हमारे बैंक में 18 साल से नीचे कोई लड़की अकाउंट खुलवाती है तो उसके साथ में उसके मदर फादर की आईडी लगती है, क्योंकि वो नाबालिग है। और सेम उन्होंने ये तर्क दिया कि इस तरह से तो 40 साल की महिलाओं को सऊदी सरकार नाबालिग समझ रही है, ये गलत है, उनका विरोध किया गया है, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पासपोर्ट पाना और विदेश में यात्रा न करना। जी हाँ साथियों, अगर सऊदी की महिलाएं हैं वो पासपोर्ट बनाना चाहती हैं, तो वो खुद पासपोर्ट नहीं बना सकती, उनके साथ में कोई भी जेंट्स पुरुष फादर ब्रदर हस्बैंड वगैरह कोई भी होना चाहिए, होना जरूरी है। अगर उनको लगता है विदेश में उनको यात्रा करनी है तो भी पुरुष प्रधान उनके साथ होना चाहिए, घर परिवार में कोई भी हो। अगर आप कोई मान लीजिए विधवा महिला है, उसका अगर छोटा बच्चा भी है तो उसको वो भी प्रधान है। जी हाँ, 7-8 साल का बच्चा भी अगर है तो उसकी इजाजत से ही वो महिला और उसकी मदर है वो अकाउंट खुलवा सकती है। शादी या तलाक। जी हाँ साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक टॉपिक निकल के आ रहा है। अगर वहां लोकल महिला को शादी या तलाक करना है, किसी से शादी करनी है, तो भी घर वालों की रजामंदी से होगी, तलाक होगा तो भी घर वालों की रजामंदी से वो कर सकते हैं। जी हाँ, अगर तलाक लेते वक्त बेटा 7 साल का है, बेटी 9 साल की है, तो उनकी कस्टडी भी उस महिला को मिलना मुश्किल है, वो कस्टडी उनके फादर को मिलेगी। हाँ, वो अलग बात है कि उसका हस्बैंड बोल दे कि भाई चलो ठीक है, तू बच्चे को रख ले, दया भाव के तौर पे उस वाइफ उसकी अपनी वाइफ को बच्चा दे देता है, बच्ची दे देता है कि तू इसको रख ले, पाल पोस ले, तो उसको कस्टडी मिल सकती है। बाकी अगर उनका बच्चा तलाक लेते टाइम बच्चा 7 साल का, बच्ची 9 साल की है, तो उनकी कस्टडी उनको नहीं मिलके उनके हस्बैंड को मिल जाएगी। दूसरी तरफ अगर उनके अभिभावक मदर फादर कोई भी हस्बैंड वगैरह जो वो चाहती है, जो वो महिला की मैं ये काम करूं वगैरह वगैरह, तो वो उनको अनुमति देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो मना कर दें, काम अच्छा है लेकिन उनको नहीं जचा, वो मना कर दें तो वो मना ही होगा भाई, उनकी चलेगी, उसकी नहीं चल पाएगी। हालांकि इस मामले में महिलाओं ने वहां की लोकल महिलाओं ने शिकायत भी की है। अगर कोई महिला जॉब करती है तो उसकी सैलरी मांग लेना, घर के पुरुषों की मैं बात करूं, मैं पुरुष प्रधान में बात करूं, तो अपना वेतन सौंपना, अपनी शादी रोकना या जबरन शादी के लिए मजबूर करना, ये घर के अभिभावक उनके साथ करते हैं। इससे रिलेटेड सऊदी की महिलाओं ने काफी बार शिकायतें भी करती आ रही हैं। पुरुष के साथ, जी हाँ साथियों, रेस्टोरेंट में खाना खाना, कॉफी पीना बिल्कुल अलाउड नहीं है। जी हाँ, सऊदी में आपने देखा होगा, सऊदी में आप रहते होंगे,
जैसे वहां पे पुरुष प्रधान है जो सर्वे करने वाले वेटर वगैरह हैं, तो एक तरफ आपको नॉर्मल मिल जाएगा जिसमें पुरुष ही पुरुष बैठे होते हैं, एक फैमिली टाइप का मिलता है, तो वो महिला चाकर भी उसमें नहीं बैठ सकती, उसको फैमिली वाले स्थान में ही बैठना होता है अपने परिवार के साथ चाय कॉफी पीने के लिए। वो पुरुष के साथ, अनजान पुरुष मित्र के साथ में चाय कॉफी नहीं पी सकती, सऊदी का नियम है। पांचवें नंबर पे बात करते हैं मनपसंद पहनावा। आपको पता भाई सऊदी अरबिया में जो औरतें हैं वहां की लोकल, वो मनपसंद पहनावा नहीं पहन सकती। जी हाँ, वहां के कानून में जो बातें लिखी गई उसी के अनुसार उनको पहनना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि सार्वजनिक जगह है, वहां महिलाओं को चेहरा ढकने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से रह सकती हैं। अगर वहां पे दूसरे देश की कोई महिला है, वो मुसलमान नहीं है, ये सोचने की बात है, तो वो अपने बालों को ढकने की उनको जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं भी ढके तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर मुसलमान है फिर वो अपने बालों को ढक के नहीं रखती है तो उस पे कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई करती है वहां की बता दूं जो धर्म की जो पुलिस है, धर्म के नाम से अलग से वहां पे पुलिस बनी हुई है जिसको बोलते हैं मुतावा, मुतावा, वो कार्रवाई करती है उनके खिलाफ में। जी हाँ, कुछ शॉपिंग सेंटर वगैरह, कुछ ऐसी जगह भी खास तौर से महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है वहां के नियम के अनुसार कि वो वहां पे अपना हबाया को हटा सकती हैं। जी हाल के 2020 में एक वहां के धर्मगुरु ने बोला था कि अब महिलाओं को हबाया नहीं पहनना चाहिए। हबाया क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा सऊदी में जो महिलाएं एक नॉर्मल सा कपड़ा जो एकदम लूज होता है जैसे वहां की अरबी पहनते हैं उसी तरह का एक कपड़ा होता है, उसी को हबाया बोलते हैं, उसको पहनना नहीं चाहिए। ये एक बयान मौलवी का उधर जो धर्मगुरु था उनका आया था, और हो सकता है कयास लगाया जा रहे हैं कि ये जो बयान निकल के आया है ये आने वाले टाइम पे इसी का एक नियम सरकार बना भी सकती है। हालांकि महिलाओं में जो आपको पता है एक अच्छा अधिकार मिला था ड्राइवरी का। जी हाँ साथियों, बहुत सारी महिलाओं ने ड्राइवरी के लिए, जो एक महिला मैन थी उसको तो अभी तक जेल में डाल रखा है, वहां की सरकार ने उसको विदेशी ताकतों से संबंध और देश के साथ कुछ गलत होने की अंदेशा में वहां के कोर्ट ने सजा सुना दी, 5 साल की वो सजा काट रही है। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे जल्दी आपके सामने, जिन्होंने महिलाओं को ड्राइवरी का लाइसेंस देने का हक दिलाया, उस महिला की मैं बात कर रहा हूं, ये लाइसेंस का अधिकार महिलाओं को मिल चुका है। बाकी और हालांकि 2030 तक उम्मीद है बहुत सारी सरकार ऐसी अपडेट नई नई लेके आएगी जिससे वहां की महिलाओं को अधिकार मिले, और भी विदेशी जो लोग हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाने की सोचें, और एक 2030 तक सऊदी अरब को एक अच्छी कंट्री के हब के तौर पे उभार के लाएं कि वहां पे जैसे लोग दुबई जाते हैं ना वैसे लोग सऊदी में आए। उसके लिए हर चीज में सरकार को चेंज फेयर करना पड़ेगा, सबसे मेन पॉलिसी वीजा की रहेगी, सस्ते वीजे निकालने पड़ेंगे, इजी तौर के भी ऊपर वीजा देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अभी तक सऊदी में नहीं मिल पा रही हैं, खास तौर से टूरिस्ट लोगों को, वो सरकार को देनी होगी तब जाके इनका। हालांकि सरकार अपने स्तर पे कर रही है सब कुछ, 2030 तक उनका अच्छा जो सोच है वो देखते हैं कब तक पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।